जी मुर्गी का पॉइंट नहीं पापा, बाप तुम बच्चों को अब सोना पिला पिलाते पिला रहा है, सो माना तो ज्ञान बाप ने सो माना ब्रह्मा है, ब्रह्मा को सो लेकिन ब्रह्मा द्वारा जो ज्ञान आई वो सिर्फ ज्ञान है, ज्ञान जल है, रस नहीं है, अमृत नहीं है। बाप अभी अमृत पिला रहा है पर सोम रस ज्ञान नहीं क्या मतलब। पहला ब्रह्मा कौन है? फिर वो ज्ञानामृत देता है कि सिर्फ ज्ञान देता है? इसीलिए सोमरस कहा जाता है। और ब्रह्मा की पैदाइश भी किससे होती है? ब्रह्मा रचयिता है या रचना है? ब्रह्मा रचना है। फिर रचयिता है। और बाप जो प्रकृति के नियम है ना, तो नियम को तोड़ने वाला नहीं है। चैतन्य में प्रकृति है जगदम्बा, जिसकी रचना के लिए बाप बाप ने अपनी सारी शक्ति रखा है। तो चैतन्य में जो प्रकृति के नियम मना किया जब संपन्न बने, माना लक्ष्मी बनती है। हाँ जी तब ही नियम बने एक्यूरेट। अस्थि तो मुर्गी की पाइप में तो ज्ञान की अग्नि नहीं कहा जाता है ना, ज्ञान को अग्नि नहीं कहा जाता है। आज की बोलने के पाए क्या नहीं कहा जाता? ज्ञान को अग्नि नहीं कहा जाता, अग्नि नहीं कहा जाता, ज्ञान तो जल है। हाँ बाबा, लेकिन ज्ञान में अग्नि की बाण भी होती है ना। गीता में भी ज्ञान अग्नि पंडितम बुधा इसको। ओ याद का जौहर चाहिए ज्ञान में भी, जो याद है वो ही अग्नि है। ज्ञान बाण तो चलाया परंतु उसमें याद का जौहर नहीं है तो अग्नि कहाँ से आवेगी? बाबा तो दुनिया में जो चार धर्म मुख्य है, सनातन देव देवता था इस्लाम में बहुत व्यापक है, ये चार धर्मों की बीज रूप सूर्यवंशी में माना सूर्यवंशी में होता है ना बाबा, जो राम बाप सनातन देव दिया था उनका बीज रूप, और जो इस्लाम धर्म है और बौद्ध धर्म है क्रिश्चियन धर्म, इन धर्मों की बीज भी वो द्वादश माना जो 12 गुरु है सूर्यवंश इसमें समाय नहीं है बाबा। हाँ जी, तो ये सारी दुनिया ये 12 लिंग में ही समाई हुई है, 12 राशियों में सारी दुनिया समाई हुई है। तब जो 12 ग्रुप 108 है ना बाबा, माला 108 12 ग्रुप है ना, नौ माना नौ धर्मों की जो 12 होती है ना बाबा 108, तो जो नौ धर्म है उसका 12 ग्रुप होते हैं ना, सूर्यवंश की 12, चंद्रवंश की 12 और इस्लाम की ऐसा 108 बाकी है ना। 12 के 9 ग्रुप हैं, इसलिए 108 मन के तैयार होते हैं। ये राजा वाली अपना है ना, 108 राजा वाला, तो सिर्फ ये सूर्य वंश और चंद्र वंश को जोड़कर वो बाकी जो धर्म है वो अभी बाप से टक्कर करते हैं, वो विधर्म है। गुरुवंश के अलावा जो भी हैं वो सब विधर्मी हैं। चंद्रवंश सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो भूला हुआ नहीं कहा जाता,
इसलिए विरोध ही नहीं कहा जाएगा चंद्रवंश। बाकी विधर्मी तो सभी है, उनमें कुछ विदेशी भी है कुछ स्वदेशी भी है। हाँ जी, तो ये 108 में जो ये राजा बनने वाला आत्मा है उसे भी सूर्यवंश की जो प्रजा बनती है वो महान है ना बाबा, क्योंकि बाप जो सूर्यवंश की 108 में जो विधर्मी है ना, 108 में विधर्मी माना इस्लामी क्रिश्चियन वो विधर्मी राजा होते हैं ना। हाँ जी, उनसे भी जो सूर्यवंश की जो प्रजा बनती है तो बाप के प्रभाव में आती है, वो महान है ना, ये राजा स्वयं भी वो प्रजा महान है ना। हाँ जी, यथा राजा तथा प्रजा, तो ये राजा से भी वो प्रजा महान है, उन राजाओं से भी प्रजा महान होगी, क्योंकि जैसे शेरों के बच्चे शेर होते हैं, गधेड़ों का भी ग्रुप होता है, उनका भी कोई मुखिया होता है, तो गधेड़ों का राजा और शेरों के ग्रुप का एक छोटा बच्चा, उनका कोई मेल है? कोई मेल नहीं हो सकता, गधेड़ा गधेड़ा ही रहेगा भले महाराजा बन जाए। और जस्टिन के दिन में एक बात सुनी हुई है, 11 या 13 साल में एक बात सुनी हुई है, अब याद आया कि माटंगा नामक शहर के पास नेतिकोटला नामक प्रदेश में पहाड़ों से गिरती हुई एक नदी बहती रहती है नामक चंद्रगंगा नदी कहते हैं। नदी में स्नान करते समय एक बार कोई कहते हैं सब नदियाँ दूर बहती रहती है, आप इस चंद्रगंगा बड़बड़ा बहती रहती है, बात सुनी हुई यह बात नहीं है राम भाई अपने बचपन में एक बात सुनी हुई थी, अपने बचपन में एक बात सुनी हुई है। बचपन में क्या बात सुनी? एक नदी है चंद्रवंशा नदी, चंद्रभागा नदी, चंद्रबंका, वो पूरब से पश्चिम की ओर बहती है, पूरब से पश्चिम की ओर बहती है, जैसे नर्मदा ताप्ती। जो भी नदियाँ हैं उत्तर की ओर बहते हैं, उत्तर की ओर, उत्तर की ओर से आती हैं और पूरब की ओर बहती हैं। सारी नदियाँ पूरब की ओर बहते हैं, बहती हैं। लेकिन ये जो चंद्रगंगा नदी पड़मटा पश्चिम की ओर बहती है, अकेली चंद्रबंका की ही बात नहीं है, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ ये भी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। हाँ, तो ये बड़ी बड़ी नदियाँ हैं नर्मदा और ताप्ती, चंद्रबंका का तो नाम आपने पहली बार सुनाया। नाम प्रदेश में पहाड़ों से गिरती रहती है नदी, नदी पे चंद्रबंका, वहाँ स्नान करते समय जो भी कहते हैं पाप इस चंद्रबंका पड़मटा बहती रहती है, चंद्रवंका जो है वो पापिष्ट मतलब अच्छी नहीं है, है? चंद्रवंका अच्छी नहीं है, पापिष्ट है, पापिष्ट मतलब अच्छी नहीं है, पापी नदी है। हाँ, तो ये बात मैं सुनी हुई बात राइट है रॉन्ग है? अरे उल्टी चाल चले तो वो अच्छा है या बुरा है?
चाल उल्टी थोड़े ही चलना चाहिए, चाल तो सीधी चलना ही अच्छा है। गंगा यमुना सरस्वती नदी पूजी जाती हैं, पतित पावनी कही जाती हैं। पश्चिम में तो पश्चिमी सभ्यता है, विदेशियों की सभ्यता है, वो अरब सागर है जहां पश्चिम में नदी गिरती है। अरबियंस का देश मुसलमानों का देश है, आसुरी संस्कार वालों का देश है। नदी की गति असुरों की ओर होना चाहिए या नदी की गति देवताओं की ओर होना चाहिए? देवताओं की ओर होनी चाहिए। और मैं भी ड्रामा में बांधा हुआ, मैं कोई बुलाने से नहीं आता, ड्रामा में बांधा हुआ। और दूसरी तरफ बताई बाबा, मैं तुम्हारे बुलाने से आया हूँ। मैं दूसरी तरफ एक बोली में आया बाबा, मैं बुलाने से, तुम बुलाने से आया हूँ, इसलिए मेरा बात सुनो। ऐसा आया, तुम्हारी बात मेरा सुना है ना, मेरा बात तुम सुनो। 63 जन्म बुलाया ना, इसलिए आया हूँ। बाकी ऐसे नहीं कि जब जब तुमने बुलाया तब आया। जब मेरा टाइम होता है, टाइम पकता है, ड्रामा में जब नुदा हुआ है तब आता हूँ। किस किस टाइम होती है? हाँ जी, ऐसा टाइम पहले कभी नहीं हुआ जो भारत के ढेर लोगों ने मिलकर के बुलाया हो। हे पतित पावन आओ, ये सिर्फ गांधी के टाइम पर ही हुआ। वेद में गांधी तो हुआ ब्रह्मा बाबा। और वेद में वो बोला, जब वो बुलाते उस वो आया ना। जब कोई थक जाता है, माया हराए देती है, हार्ट फेल हो जाता है, तो सारा देह अभिमान चकनाचूर हो जाता है ना, तो भगवान ही एक सहारा रह जाता है। ब्रह्मा बाबा को 160 रूपी रंगमंच पर 50 साल कम है ना? हाँ जी। तो 50 साल के बाद अपना शरीर रहता है या? अपना शरीर क्यों रहता है, आधा साझा हो जाता है। जो बाप का शरीर सो बच्चे का शरीर, राजा ही बच्चा करता है, बाप तो राजा ही लेता नहीं, शरीर किसका रहता है? तो बाबा एक मुरली में बोल दिया कि 60 रूपी रंगमंच पर ब्रह्मा बाबा को 50 साल अपना शरीर नहीं रहता है। हाँ, 50 साल अपना शरीर नहीं रहता, उसका अर्थ यह ले सकते हैं कि 69 से लेकर के 50 और 2017 तक जोड़ो, कितने साल हुए? 50 साल पूरे हो जाते हैं। अपने निजी शरीर वो दोनों का निजी शरीर हो जाता है, बाप तो निराकार बन गया। मनुष्य सृष्टि का जो बाप है वो निराकार बन गया या साकार रह गया? हाँ जी, वो तो बाप समान बन गया। तो साकार शरीर से राजा ही कौन भोगता है?
बच्चा भोगता है या बाप भोगता है? शंकर को तो राजा के रूप में ताजधारी नहीं दिखाया गया है। और गुंटूर का नाम गुंटूर में संगड़ गुंडा इसका नाम गुण टू रह दो गुण रहे जिसमें है एक नहीं तीन चार आठ नहीं कितने रहे दो गुण है तो नाम पड़ गया गुंटूर है। अब ऐसे तो दुनिया भर के शब्द हैं हिंटड़गुंटा पिंटड़गुंटा सब और दो गुण क्या है बाबा दो गुण क्या है? अब जो गुण धारण करके दिखा दे वो गुंटूर हो जाए। ये धारण करने की बात है पहले से कैसे बताया जाए प्रत्यक्ष करके दिखाओ। और वरदान ही बाबा वरदान ही बाबा वरदान बाबा शबरी कहते हैं ना शबरी राम को फल खिलाते हैं वो झूठा अच्छा है या बुरा है झूठ कर खिलाते हैं वेद में माताएं हैं माताओं का शादी होने के बाद लौकिक दुनिया में तन झूठा हो जाता है या कुमारी रहता है तो झूठा तन अर्पण कर दिया ईश्वरीय सेवा में लगा दिया ईश्वर को अर्पण कर दिया तो क्या हुआ शबरी है या ब्राह्मणी है? शबरी है। माना भगवान के प्रति अर्पण तो किया लेकिन अर्पण करने वाली जो है वो शूद्राणी बन करके रही ब्राह्मण ही नहीं बन सकी। अर्पण तो किया लेकिन पति जो लौकिक है उस पति का भाव नहीं छोड़ सके। पति ने भी आधिपत्य जमाया कलयुग में नारी अबला कही जाती है तो अबला बन गई। बाप के बनने के बाद कुमारी जीवन होना चाहिए और भाई लोग माता और कन्या इनको गाइड नहीं बनना है गार्ड बनना है गाइड कहीं बनना है गार्ड लेकिन तो गाइड तो फंडा गाइड बनना तो शिव बाबा है फंडा है। हाँ एक शिव बाबा है गाइड और बाकी जो भी हैं भाई लोग पांडव उनको गार्ड बनना है कन्याओं माताओं की सुरक्षा करनी है लेकिन उनको गाइडेंस नहीं देनी है।
अगर पांडव कन्या माताओं की गाइडेंस करने लग पड़ेंगे तो यज्ञ में गड़बड़ पड़ेगी, राजधानी स्थापन नहीं हो सकेगी। जैसे तथाकथित ब्राह्मणों में गड़बड़ पड़ गई, दो पार्टियां हो गई, राजधानी स्थापन नहीं हो सकी। दिल्ली में और ही जास्ती झगड़े फसाद बढ़ गए, राजधानी स्थापन नहीं हो सकी, है ना? బాబా ఎంతెంత యాద్ చేస్తుంటే అంతంత నిద్ర వస్తుంది, ఏమన్నా ఉపాయం చెప్పండి బాబా, మరి వస్తుంది కదా అందరికి ఇస్కా కారణ జ్ఞాన బుద్ధి మే అచ్చి తరే ఠస్కే బైఠా నహీ హై। पाप कर्मों का बोझ आज ज्यादा चढ़ गया है, ज्ञान में आने के बाद जो पाप कर्म जानबूझ करके भी करते हैं तो उनके ऊपर 100 गुना पाप का बोझ चढ़ता है। जो 63 जन्मों में पाप का बोझ नहीं चढ़ा उससे ज्यादा पाप चढ़ जाता है। इतना मरी इन चेस्ना निद्र वस्टो इटो पाप करना बंद करो, जो पाप किए हैं उनका पूरा पोता मेल दे दो। और दोबारा पाप करना बंद कर दो। जन्म लो जैसनी मरी पोइन जन्म लो एम गुत्तों इस जन्म कुछ नहीं किया। वाह भाई वाह भाई वाह वाह। और हेड और गार्ड की बात आती है, गाइड और गार्ड की बात बीच में, गाइड गाइड और गार्ड, हाँ गार्ड बीच में रखो बाबा। जब ये पुरुष लोग हमको बाबा ने सभी पुरुष लोग हमको दुर्योधन दुशासन कहा है ना, ये दुर्योधन दुशासन तो माता कन्या को गार्ड बनना बना वो कैसा रक्षा करेगा, दुर्योधन के दुशासन पूर्ति होती है उसका सौंपना में क्या मतलब है। पांडव जो 5 पांडव निकले उस 5 पांडवों ने एक जैसा पार्ट बजाया, या कोई पांडव ऐसा भी था जो द्रौपदी को गाइडेंस नहीं देता था लेकिन रक्षा करता था द्रौपदी को, ऊपर द्रौपदी को उसके ऊपर विश्वास था, भीम था ना, तो ऐसे तो नहीं है कि सब एक जैसे होते हैं, सब एक जैसे पांडव तो नहीं हो सकते। 5 उंगलियां एक जैसी होती है क्या? नहीं होती। तो भीम जैसा द्रौपदी की रक्षा करने वाला पांडव बनना है, वो कभी गाइडेंस नहीं देता था, गाइडेंस देने का काम युधिष्ठिर ने किया, अर्जुन ने भी किया, लेकिन भीमसेन तो सदैव रक्षक के रूप में रहा, इसलिए द्रौपदी को किसके ऊपर नाज था? भीमसेन के ऊपर नाज। और सुदर्शन से आपका जो है वो सबसे ज्यादा पठित करते हैं अंत में, कौन सूर्यवंशी आत्मा जो है ना, हाँ अंत में सबसे जास्ती पठित करते हैं,
हाँ जी हाँ जी। तो इसलिए उनको ज्ञान की जल्द ज्ञान की जल्द ज्यादा चाहिए ना, तो जो आत्मा में जो मलिन है उसको प्रक्षारण करने के लिए ज्ञान की जल्द ज्यादा चाहिए ना। हाँ जी। इसलिए तो वो उपाप से तो ज्यादा ज्ञान सुनने ज्यादा क्लैरिफिकेशन देने के लिए वो चाहते हैं ना बाबा। नहीं जो पक्के सूर्यवंशी हैं वो खुद मनन चिंतन मंथन करके कमाने खाने वाले हैं। प्रश्नोत्तर के पचड़े में नहीं पड़ते हैं। जितनी सेवा करेंगे सेवा के फील्ड में रहेंगे उतना बाप उन बच्चों में प्रवेश करके जैसे कि मनन चिंतन मंथन भी कराता है हर प्रश्न का जवाब मिल जाता है। पूछने करने की दरकार भी नहीं रहती है। ढेर के ढेर प्रश्न उठना ये अंदर का कचरा है। जो कचरा संकल्पों की विकृति के कारण पैदा होता है और प्रश्न भी दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जिज्ञासा शांत करने के लिए। जिज्ञासा को शांत करने के लिए अपनी जिज्ञासा हो या दूसरों की जिज्ञासा हो और एक प्रश्न किए जाते हैं क्रास करने के लिए और ब्राह्मण परिवार में हमारा नाम वाला हो जाए कि हम ज्यादा होशियार हैं। इसलिए भी प्रश्न होते हैं। और आप जानते हैं ना इस भाव से बाप तो अंतर्यामी है, ब्रह्मा बहिर्यामी है, और मीठे गन्ने को तो देखो कोल्हू में पेरा जाता है। इसका बेहद का अर्थ क्या है? हम ब्राह्मणों की दुनिया में सबसे ज्यादा मीठा पार्ट किसने बजाया? ब्रह्मा बाबा ने। तो ब्रह्मा बाबा का अंत में बच्चों ने क्या हाल कर दिया? बेहाल कर दिया या अच्छा हाल रहा? बेहाल कर दिया। इसलिए अति का मीठा बनना भी अच्छा नहीं है। बैलेंस होना चाहिए। खून के आंसू बहाने में और पश्चाताप करने में अंतर क्या है? खून शक्ति होती है, जो शक्ति है
उस शक्ति का सदुपयोग होना चाहिए। आंखों में अगर खून बरसने लगे तो क्रोध की निशानी हो जाती है। क्रोध से बिगाड़ होगा या सुधार होगा? बिगाड़ हो जाता है। पश्चाताप करना तो अच्छी बात है। खून के आंसू आना खराब बात है। हिसाब किताब चुकतू कर रहे हैं या हिसाब किताब बना रहे हैं, ये कैसे मालूम पड़े कि हिसाब किताब नया बन रहा है या हिसाब किताब चुकतू हो रहा है? जब हिसाब किताब चुकतू हो जाता है तो शांति आ जाती है, हल्कापन महसूस होता है। और नया हिसाब किताब जब बनता है तो भारीपन आ जाता है। अगला प्रश्न है, बी के वाले निराकार को याद करते हैं, निराकार को याद करने वाले विधर्मी हैं, तो विजयमाला के ग्रुप को क्या कहेंगे? विजयमाला के ग्रुप में सभी इस्लामी बौद्धी क्रिश्चियन आदि हैं या चंद्रवंशी भी हैं? चंद्रमा को फॉलो करने वाले नहीं है क्या? तो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा को जो फॉलो करने वाले हैं, वो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा में शिव को याद करेंगे, निराकार को याद करेंगे या सिर्फ निराकार को याद करेंगे? इसलिए ऐसे नहीं कहा जा सकता कि जो भी बीके हैं तथाकथित ब्रह्मा कुमार, वो सब निराकार को याद करते हैं। नहीं, वो अव्यक्तवाणी को भी पकड़ते हैं। अव्यक्तवाणी में आया हुआ है साकार में निराकार को याद करना है, तो ब्रह्मा साकार में निराकार ज्योति बिंदु को याद करते हैं, वो ही विजयमाला का ग्रुप है। सिर स्नान करके प्रातःकाल 6 बजे से सायंकाल 6 बजे तक मौन व्रत रखता हूँ, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या ये भक्ति मार्ग है या ज्ञान मार्ग है? मौन व्रत का अर्थ बाबा ने बताया है, मन का मौन रखना अच्छी बात है या सिर्फ वाचा का मौन रखना अच्छी बात है? वाचा का मौन रख लें और मन अंदर से ढेर सारे संकल्प करता रहे, विकल्प करता रहे, तो ये मौन व्रत कहा जाएगा कि वाइब्रेशन और ही जास्ती खराब होते रहेंगे।
ये ज्ञान मार्ग है, इसमें दिखावा कुछ भी नहीं करना होता है। जहाँ दिखावा होता है वो ज्ञान मार्ग नहीं है, भक्ति मार्ग है। बोलना ही बंद कर देंगे तो आसपास नजदीकी और संग में आने वाली बहुत सी आत्माएं मुझने लग पड़ेंगी, बहुतों को ये आभास होगा ये तो बड़ा ऊंचा आदमी है। कोई बड़ा महात्मा है, लेकिन हमें ऐसा कुछ भी करना नहीं है। अगर मौन व्रत रखना ही है तो दृढ़ संकल्प लें कि कोई भी दुष्ट संकल्प नहीं आने देंगे। शरीर के अंदर मन है तो मन संकल्प तो करेगा, जब तक मन के ऊपर पूरा कंट्रोल नहीं हुआ है। लेकिन सत संकल्प करें, ज्ञान युक्त संकल्प करें, अज्ञान से भरे पूरे दुष्ट संकल्प ना आने दें। यही हमारा मौन व्रत सबसे अच्छा है और ज्ञान मार्ग भी है। तथाकथित माने वो ब्राह्मण जो भगवान बाप को नहीं पहचानते कि भगवान बाप साकार में आया हुआ है, ऐसे ब्राह्मण जो अपन को ब्रह्मा कुमार तो कहते हैं लेकिन ब्रह्मा को नहीं जानते। ये सब ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मणों की नई दुनिया तैयार हो रही है, उनको कहा जाता है तथाकथित ब्राह्मण। दुनिया भी ब्राह्मण नहीं, फॉलो करते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियों को, ब्रह्मा को जानते ही नहीं कि ब्रह्मा का प्रैक्टिकल पार्ट है भी या नहीं है। बिना ब्रह्मा के ब्राह्मण कहां से आ जावेंगे। इसलिए मुरली में बोला, उन ब्राह्मणों से पूछो, तुम अपने को ब्राह्मण कहते हो तो तुम्हारा ब्रह्मा कहां है, तो कहेंगे सूक्ष्म वतन में। तुम भी सूक्ष्म वतन में चले जाओ, तुम यहां काय के लिए बैठे हो। बाबा हाँ, तो ये नंबर शिफ्ट होता है ना, नंबर शिफ्ट होता है ना बाबा, नंबर फिक्स होता है, नंबर फिक्स होता है ना बाबा। नंबर फिक्स हो नहीं गए सारे, नंबर्स फिक्स होने हैं और कुछ नंबर फिक्स हो गए हैं। नंबर कुछ फिक्स हो गए हैं तो जो ग्रुप के नंबर फिक्स हो गए हैं उनके लिए वाणी में बोल दिया कि टू लेट का बोर्ड लग गया। पहले ऐसा नहीं बोलते थे, दुनिया में भी जब रिजल्ट निकलता है तो पूरे बोर्ड में अव्वल नंबर कौन आया वो डिक्लेयर किया जाता है, फिर पास विद ऑनर डिक्लेयर किए जाते हैं, फिर फर्स्ट क्लास डिक्लेयर किए जाते हैं। तो यहां भी ऐसे है, 75 के लिए बोला गया, नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होगा 75 में।
लक्ष्मीनारायण का राज्य आने वाला है। तो लक्ष्मीनारायण पहला जोड़ा डिक्लेयर हो गया, वो सब पहले जोड़े के लिए कहेंगे टू लेट का बोर्ड लग गया, अब कोई भी पहला जोड़ा नहीं बन सकता। इसी तरह तीन मूर्तियों के लिए, वो तीन मूर्तियां कौन सी हैं जो विश्व विजय करके दिखलाती हैं? उन तीन मूर्तियों के लिए टू लेट का बोर्ड लग गया। जब वो तीनों मूर्तियां डिक्लेयर हो गईं, ऐसे ही अब अष्ट देवों के लिए बोल दिया कि टू लेट का बोर्ड लगने से पहले तुम बच्चे आ गए। अभी टू लेट का बोर्ड लग गया फिर भी आ तो गए ना, ऐसे नंबर बार ग्रुप तैयार होते जाएंगे। तो वो अष्टदेव को बाप की पूरा पहचान हो गया बाबा? जिनको पहचान नहीं होगी वो अपने को अर्पण कैसे करेंगे? तन मन धन समय संपर्क और संबंधियों को ईश्वरीय सेवा में स्वाहा कौन करेगा? पहचान होगी तभी स्वाहा करेगा कि बिना पहचान के किसी को स्वाहा कर देगा? सिख धर्म को कहते हैं प्रवृत्ति मार्ग का धर्म, प्रवृत्ति मार्ग को मान्यता देने वाला, और दूसरे जो धर्म हैं वो निवृत्ति मार्ग के हैं। आज की दुनिया में तो जो दूसरे धर्म हैं वो निवृत्ति मार्ग के कैसे हैं? क्योंकि उन धर्मों के जो भी धर्म पिताएं हैं, जो बीज हैं, जहां से उन धर्मों की शुरुआत होती है, वो धर्म की स्थापना तो करते हैं लेकिन राज्य की स्थापना नहीं कर पाते। उन धर्म पिताओं की पत्नियों का नाम इतना बाला नहीं है। वो अनेक शादियां करने वाले हैं, इसलिए कोई भी प्रवृत्ति में पक्के होकर नहीं रहते। इसलिए एक नारी सदा ब्रह्मचारी ये सिख धर्म में गायन है और धर्मों में ये गायन नहीं है। या तो देवी देवता सनातन धर्म का गायन है। बाबा के साथ सेवा करने में और बाबा के परिवार में रहने में ही खुशी मिलती है। बाहर दुनिया की बातें देखने सुनना पसंद नहीं होती हैं। तो ऐसा लगना सही बात है या गलत बात है? ये तो अच्छी बात है।
आज के कलयुग में भक्ति मार्ग में मंदिरों में शादियां हो रही हैं, इसका बेहद में अर्थ क्या है? ब्राह्मणों की दुनिया में जो तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, वो शादियां करके बैठ गए हैं, घर बना के बैठ गए हैं, या शिव बाबा का मंदिर बना के बैठे हैं? अगर शिव बाबा का मंदिर है तो साथ के लिए दरवाजा खुला होना चाहिए। अगर अपना पर्सनल घर बनाया हुआ है तो कोई को आने देंगे और कोई को नहीं आने देंगे। शादी का अर्थ बाबा ने बताया है, ढोल मजीरा बजाना ये कोई शादी नहीं है, विकार में जाना माना शादी। अब वो विकार में जाने वाले चाहे समाज की नजरों में धूल झोंक करके विकार में जा रहे हैं, या तो ढोल मजीरा बजा करके विकार में जा रहे हैं, है तो दोनों की ही शादी। तो ब्राह्मणों की दुनिया में भी ये शादियां हो रही हैं। और एडवांस पाठशालाओं में भी कुछ गीता पाठशालाएं हैं, कुछ गीता मंदिर ऐसे हैं जहां अपने बच्चों की शादियां कराए लेते हैं और उनको घर में रख देते हैं। तो मंदिर के अंदर शादी हो गई कि नहीं हो गई? शूटिंग हो रही है। संकल्प करना और इच्छा करना, इस बात में कुछ अंतर है या नहीं है? इच्छा की जाती है अच्छा कर्म करने या बुरा कर्म करने की, अच्छी प्राप्ति करने की या बुरी प्राप्ति करने की, इच्छा की जाती है और संकल्प भी रखा जाता है। अच्छा कर्म करने का संकल्प कोई रखता है, कोई बुरा कर्म करने का भी संकल्प रखता है, अच्छी प्राप्ति का भी संकल्प रखता है और बुरी प्राप्ति का भी संकल्प रखता है, तो समानार्थक हो जाते हैं। कर्म की भी शूटिंग होती है या संकल्पों की कभी शूटिंग होता है? ब्रह्मा के संकल्पों से सृष्टि रची गई, ब्रह्मा के संकल्पों से ब्रह्मा की सृष्टि रची जाती है। तो और आत्माएं नंबर वार ब्रह्मा का पार्ट बजाने वाली हैं या नहीं है? संगम युग में जो भी ब्राह्मण मात्र हैं, उनके संकल्पों का बीज पड़ता है, श्रीमत के अनुकूल बीज डालते हैं तो सुखी सृष्टि का बीज पड़ता है, उनकी जन्म जन्मांतर की सुखी सृष्टि बनती है।
और दुष्ट संकल्प का बीज डालते हैं श्रीमत के बरखिलाफ, मनमत के आधार पर या मनुष्यों की मत के आधार पर, तो दुखी सृष्टि का बीज पड़ता है, जन्म जन्मांतर दुखी होते रहते हैं। जो भगवत पिता है द्वापर में आते हैं, भगवत पिता जो भगवत पिता होते हैं बाबा द्वापर में, हाँ जी द्वापर से आते हैं प्रेम बुद्ध और प्रेस, जो दूसरे और तीसरे नंबर नारायण में प्रवेश करके उनको अपनी मुट्ठी में लाते हैं ना प्रेम दूसरे नंबर, और जो बुद्ध जो है और तीसरे नंबर ऐसा ऐसा, वो जब परंधाम से आते हैं, मान लो ये इब्राहिम सोल दूसरी नंबर नारायण प्रवेश करती है, इब्राहिम इब्राहिम की सोल हाँ सचिव में दूसरी नंबर नारायण शरीर में प्रवेश करके बाबर में, जब बाबर आती है हाँ जी प्रवेश करके तो पुल्यूट करती है ना, पुल्यूट करती है हाँ। लेकिन बाबा जो प्रश सोल परंधाम से आती है, है? परंधाम से जो प्रश आती है इब्राहिम का सोल हाँ प्रश प्रश से आती है ना हाँ, उसमें तो प्रश सोल में कोई एडल्ट्रेशन नहीं होती है, कोई अपवित्रता नहीं होती है, कोई पोल्यूशन नहीं होती है, कोई नहीं होती है हाँ। उसमें जो चीज है नहीं वो चीज दूसरे में डालने कैसा संभव है, माना दूसरे नारायण में प्रवेश करके उसको पोल्यूट। जो भी इब्राहिम वाली आत्मा आती है उसकी बुद्धि में ये बात है कि बिना विकारी इंद्रियों के संतान पैदा हो सकती है, तो बस ये संगम युग में उनको निश्चय ही नहीं बैठा कि ऐसी भी कोई सृष्टि होती है जो निर्विकारी सृष्टि होती है, इसलिए वो बीज उसी प्रकार की आत्मा का है। वो आत्मा जब भी सृष्टि पर आकर के जन्म लेती है, प्रवेश करती है, प्रत्यक्ष होती है, तो विकारी इंद्रियों से ही भोग करने लग पड़ती है। पहले पहले व्यभिचार शुरू करती है आंखों से, बाद में भ्रष्ट इंद्रियों से भी विकारी बन पड़ती है। देवता है जब द्वापर आती है, द्वापर आती है तो स्वर्ग ध्वंस होती है, और ये देवता है वाम मार्ग में चला जाती है महापुण्य के पास। वाम मार्ग में कौन चले जाते हैं? सूर्यवंशी चले जाते हैं, या दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली स्पेशल आत्माएं हैं वो दूसरे धर्मों में चली जाती हैं। ये पॉइंट है बाबूले में, जो स्वर्ग का दुनिया मेरा है तो नरक का दुनिया भी मेरा नहीं क्या? तो नरक बनने वाला नर है ना, तो कह रही जो आरम्भ नरक की जो बनाने वाली द्वापर के आदमी नरक नहीं बनाती है, नरक की दुनिया मेरी है वो कहने वाली आत्मा विश्व का बादशाह थी, वो कलयुग के अंत में जब भगवान बाप आते हैं तब तक नरक की दुनिया में सर्वोपरि बनकर रहती है, हीरो पार्टी बजाती है, कभी नीचा पार्ट नहीं बजाती, जिस कार्य में भी हाथ डालेगी वहां उसकी विजय होती है। इसलिए बोला कि स्वर्ग की दुनिया मेरी है तो नरक की दुनिया मेरी नहीं है क्या? बाकी संगम युग को नरक नहीं कहेंगे, संगम युग तो मौजों का युग है। कृष्णा नदी हाँ वेद में कौन है? कृष्ण की बच्ची कृष्णा एक मात्रा बढ़ जाती है बच्चे के अर्थ में, हाँ।
कृष्ण वाली आत्मा संगम युगी कृष्ण के रूप में तीन बार 1989, 1998, 99 और 2018 में प्रत्यक्ष होती है, प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेती है। इसका क्या मतलब है? ब्रह्मा 100 वर्ष की आयु में खलास हो जाता है, तो दादा लेखराज ब्रह्मा की 100 साल आयु 89 में पूरी होती है। 89 में वो आत्मा गर्भ महल में प्रवेश कर जाती है। जहां आराम से बच्चा जीवित रहता है, पीपल का पत्ता दिखाया हुआ है, वो पीपल का पत्ता कोई दूसरी आत्मा नहीं है, रुद्रमाला का आखिरी मणका है, जो रुद्रमाला के मणकों के बीच में सबसे हल्का पुरुषार्थी है। उसमें प्रवेश करती है, इसलिए भक्ति मार्ग में ये प्रतीकात्मक चित्र बनाया है, पीपल के पत्ते पर गर्भ महल दिखाया है। वो गर्भ महल माँ का है, जो पीपल के पत्ते के रूप में दिखाते हैं। पीपल के पत्ते में ये खासियत होती है कि थोड़ा भी हवा का झोंका आएगा तो पत्ता तेजी से हिलेगा। माया का थोड़ा सा हिलकोरा आता है और वो आत्मा तेजी से हिलने लग पड़ती है। भले कितने भी हिलेगी डुलेगी पीपल के पत्ते की नवैया, लेकिन वो डूबेगी नहीं। ये गायन है भक्ति मार्ग में, ये संगम युग का गायन है, क्योंकि वो पत्ता अपने को पहले पहले अर्पण करता है, इसलिए उसके अर्पण होने का भी बड़ी विशेष महत्व है। उसको डूबने नहीं दिया जा सकता। वो पहला जन्म है, जैसे लौकिक दुनिया में शरीर छोड़ करके आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है, तो प्रत्यक्ष जन्म तो नहीं है लेकिन परोक्ष जन्म हो जाता है मां के गर्भ के अंदर। मां को पहचान हो जाती है कि कोई आत्मा ने प्रवेश कर लिया। आत्मा प्रवेश करती है तो अंदर चुर्रपुर्र होती है, दूसरों को पता नहीं लगता। तो मां के लिए जैसे कि बच्चे का जन्म हो गया, ये पहला जन्म है। दूसरा जन्म तब होता है जब बच्चा बाहर आता है, संसार में प्रत्यक्ष होता है। वो शास्त्रों में प्रसिद्ध है, जेल में प्रत्यक्ष हुआ। तो 1998 में जेल के अंदर प्रत्यक्षता होती है। दिखाते हैं कि जब प्रत्यक्ष हुआ, जन्म लिया, तो जेल के फाटक खुल गए।
और बच्चा स्वतंत्र होकर के बाहर निकल गया। कंस ने बहुत बांधना चाहा, बहुत बांधा बांधी की, लेकिन बांध नहीं सका। ये भी बताया है कि जब कृष्ण का जन्म होता है तो संसार में बिजली सी कौंध जाती है। 98 में ब्राह्मणों की दुनिया में, खासकर तथाकथित ब्राह्मणों की दुनिया में बिजली सी कौंध गई जब वो कृष्ण बच्चा जेल से स्वतंत्र हो गया। उन्हें स्वप्न में भी ये विश्वास नहीं था कि अब जेल से बाहर होना भी हो सकता है, लेकिन नर चाहत कछ और है, होवत है कछ और। जैसे ब्राह्मण लोग, बच्चे का जन्म होता है ब्राह्मण कुल में तो पहला जन्म मानते हैं, और ब्राह्मण का दूसरा जन्म तब माना जाता है जब यज्ञोपवीत धारण कराया जाता है। यज्ञोपवीत धारण करने का मतलब है कि तीनों सूत्रों की पहचान हो जाना। असली ब्रह्मा कौन है? प्रैक्टिकल देहधारी पार्ट बजाने वाला ब्रह्मा कौन है? विष्णु कौन है? प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाला। और शंकर कौन है? प्रैक्टिकल में पार्ट बजाने वाला। ये बात कृष्ण उर्फ दादा लेखराज ब्रह्मा की बुद्धि में बैठ जाती है। ये उनका द्विजन्मा जन्म होता है, इसलिए ब्राह्मणों के दो जन्म कहे जाते हैं। तो एक गर्भ का जन्म, गर्भ के अंदर आत्मा प्रवेश करती है जो माँ को ही पता चलता है। दूसरा संसार को जन्म का पता चलता है, और तीसरा सारी दुनिया को पता चल जाता है। ये वो ज्ञान के आधार पर जन्म होता है। ब्रह्मा और फिर कृष्ण की सोल अपने स्वरूप को पहचान लेती है कि मैं भगवान नहीं हूं। गीता का साकार भगवान बाप है, मैं तो सतयुग का प्रिंस बनने वाला बच्चा हूं। ये असलियत बुद्धि में बैठती है। 2018 की प्रत्यक्षता रूपी जन्म है। ओम शांति।